वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सोशल मीडिया सुरक्षा और कल्याण। इससे पहले मैंने दीक्षा पर शिक्षण अधिगम की व्यवस्थाओं की उन्नति, साइबर खतरे, डिजिटल वेलनेस, मुक्त शैक्षिक संसाधन और लाइसेंस, साइबर स्पेस में वित्तीय सुरक्षा, मीडिया एवं सूचना साक्षरता, साइबर पेरेंटिंग और शिक्षण एवं अधिगम के लिए डिजिटल संसाधन के रूप में एनिमेशन, ये सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एक प्लेलिस्ट है CIT NCERT ट्रेनिंग क्विज आंसर नाम से, उस पर आप चेक कर सकते हैं। सोशल मीडिया धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर है संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना। सेकेंड ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, युवाओं को सोशल मीडिया की ओर आकर्षित होने का एक मुख्य कारण है, उत्तर है इसका फोमो, छूट जाने का डर। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय मानसिक शांति बनाए रखने की एक सिफारिश की गई रणनीति क्या है, उत्तर है इसका डू नॉट डिस्टर्ब या म्यूट नोटिफिकेशन सुविधाओं का उपयोग करना। इस पर आप क्लिक करें। नेक्स्ट दिया गया है, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया खतरा सामग्री में चर्चा नहीं किया गया, उत्तर है इसका प्रायोजित विज्ञापन। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट दिया गया है, ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी आमतौर पर किस तरीके से होती है, उत्तर है इसका फिशिंग लिंक पर क्लिक करना, सेकेंड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट दिया गया है, सोशल मीडिया पीड़ितों के लिए ऑनलाइन समर्थन या सहकर्मी परामर्श समूह स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है, उत्तर है भावनात्मक समर्थन के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना। कौन सा कंटेंट लंबी अवधि की सामग्री की तुलना में युवाओं के बीच अधिक लोकप्रिय हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स और शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट है, सोशल इंजीनियरिंग हमले का एक मुख्य संकेत क्या है, इसका उत्तर है अजनबियों से अवांछित सामग्री या अनुरोध। इस पर आप क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, आपको नियमित रूप से तृतीय पक्ष ऐप्स का ऑडिट क्यों करना चाहिए, उत्तर है इसका मालवेयर या संभावित सुरक्षा उल्लंघनों की पहचान करने के लिए। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्रोत की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण कौन सा है, उत्तर है इसका फैक्ट चेक डॉट ऑर्गेनाइजेशन। इस पर आप क्लिक करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी गतिविधि में उपयोगकर्ताओं को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर कर दिया जाता है और भुगतान की मांग की जाती है, उत्तर है इसका रैंसमवेयर। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी गतिविधि नींद के पैटर्न को बाधित कर सकती है, उत्तर है इसका सोशल मीडिया की लत। इस पर आप क्लिक करें सेकंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, सोशल मीडिया खातों को सुरक्षित करने की एक प्रभावी रणनीति कौन सी है, इसका उत्तर है मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक सोशल मीडिया प्रोफाइल से व्यक्तिगत डेटा चुराने वाले खतरे को क्या कहा जाता है, उत्तर है इसका डेटा स्क्रैपिंग। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट है, किस शब्द का अर्थ ऑनलाइन प्रभाव को बढ़ाने के लिए बेचे जाने वाले नकली फॉलोअर्स या एंगेजमेंट से है, उत्तर है इसका नकली प्रभाव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नैतिक डिजिटल उपयोग क्या है, इसका उत्तर है ऑनलाइन जिम्मेदार, सम्मानजनक और सूचित होना। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 10 सॉल्व किए हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनलों और बड़े ग्रुप चैट के उपयोग के कारण लोकप्रिय हो रहा है, उत्तर है इसका टेलीग्राम। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। सोशल मीडिया पर युवाओं को प्रभावशाली व्यक्तियों को फॉलो करने के लिए कौन सा मुख्य कारक प्रेरित करता है, उत्तर है इसका जीवन शैली के रुझान और फैशन। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, सकारात्मक सामग्री का उपभोग करने का क्या अर्थ है, उत्तर है इसका शैक्षिक और प्रेरणादायक स्रोतों की तलाश करना, थर्ड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट दिया गया है, नॉन फंजिबल टोकन से जुड़ी किस प्रकार की धोखाधड़ी है, आंसर है चुराए गए या नकली NFTs बेचना। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट दिया गया है, किस खतरे में टिप्पणियों और डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, उत्तर है इसका साइबर बुलिंग।
नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा के लिए एक सर्वोत्तम प्रथा क्या है? आंसर है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करना। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी का एक उदाहरण कौन सा है? इसका उत्तर है झूठी खबर जल्दी से साझा करना, सेकेंड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच लोकप्रियता खो रहा है? उत्तर है इसका फेसबुक। फेसबुक पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, बायोमेट्रिक डेटा चोरी में किस प्रकार की जानकारी लक्षित होती है? उत्तर है इसका फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया की लत का संकेत नहीं है? उत्तर है इसका आत्मविश्वास में सुधार। इस पर आप क्लिक कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोशल मीडिया के उच्च उपयोग से जुड़ी एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है? इसका उत्तर है चिंता और अवसाद का बढ़ना। इस पर आप क्लिक करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित कौन सा अनैतिक ऑनलाइन व्यवहार का उदाहरण है? उत्तर है इसका गलत जानकारी फैलाना, थर्ड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है, अपने ऑनलाइन कार्यों की जिम्मेदारी लेना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है इसका गलत सूचना और हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नैतिक डिजिटल उपयोगकर्ता बनने का एक मुख्य सिद्धांत क्या है? आंसर है सकारात्मक सहभागिता को बढ़ावा देना। इस पर आप क्लिक करें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, स्वस्थ डिजिटल जीवन के लिए एक अनुशंसित स्क्रीन टाइम रणनीति क्या है? उत्तर है इसका विभिन्न आयु समूहों के लिए स्क्रीन टाइम अनुशंसाओं का पालन करना। सोशल मीडिया पर युवा अपनी गोपनीयता की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर है गोपनीयता सेटिंग्स का प्रबंधन करना। इस पर आप क्लिक करें सेकेंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संतुलित डिजिटल जीवन बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? उत्तर है इसका स्क्रीन टाइम सीमित करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। क्रैप प्रशिक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर है इसका मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता का आकलन करना, फर्स्ट ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करने का एक लाभ क्या है? उत्तर है इसका अच्छी तरह से सूचित और सटीक सामग्री तक पहुंच। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट दिया गया है, डिजिटल जिम्मेदारी को कैसे वर्णित किया जाता है? उत्तर है इसका ऑनलाइन गोपनीयता और बौद्धिक संपदा का सम्मान करना, सेकेंड ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्क्रीन टाइम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है? उत्तर है इसका स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग। नेक्स्ट करें, आपको ऑनलाइन सकारात्मक सामग्री क्यों बनानी चाहिए? उत्तर है इसका एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण में योगदान करने के लिए। इस पर आप क्लिक करें फर्स्ट ऑप्शन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एक सुझाई गई गतिविधि क्या है? उत्तर है इसका वास्तविक दुनिया की गतिविधि और संबंधों में संलग्न होना। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर सकारात्मक सामग्री तैयार करने का उद्देश्य क्या है? उत्तर है इसका मानसिक शांति बनाए रखने और तनाव से बचने के लिए। इस पर आप क्लिक कर दें। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर दें। टोटल क्वेश्चन 30 थे, हमने सॉल्व भी 30 कर लिए हैं, स्कोर भी हमें 30 आउट ऑफ 30 मिल गया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इससे आपको प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।